बीडीए न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। भंडारा जिले में शनिवार को 8 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो 8 व्यक्ति ठीक भी हुई है। इन पॉजिटिव कोरोना केसेस में लखनदुर तालुका के 3, पौनी तालुका के 3 और तुमसर व मोहाड़ी तालुका के प्रत्येकी 1 व्यक्ति पॉजिटिव मिले हैं। अगर आपने बीडी न्यूज हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। भंडारा जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या 223 तक पहुंच गई है। अभी तक 179 व्यक्ति को छुट्टी दी गई है। शनिवार को मिले 8 कोरोना पॉजिटिव में पौनी तालुका में मिला कोरोना पॉजिटिव बीएसएफ जवान है। वो हैदराबाद से आया था, तो दूसरा 33 वर्षीय व्यक्ति आंध्र प्रदेश से और 39 वर्षीय व्यक्ति नागपुर से आया है। लखनदुर तालुका में एक 25 वर्षीय व्यक्ति सिकंदराबाद से आया है, तो 22 वर्षीय लड़का सांगली से आया है। 27 वर्षीय लड़की पुणे यहाँ से आई है। मोहाड़ी तालुका में मिला 23 वर्षीय लड़का, यह खड़क वासला पुणे यहाँ से आया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन की तरफ से उपाय किए जा रहे हैं। अभी तक ठीक हुए कोरोना पेशेंट की संख्या 80% तक है और अभी तक जिले में 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। सर्वाधिक कोरोना पेशेंट भंडारा और साकोली तालुका में प्रत्येकी 49 व्यक्ति मिले हैं और उन पर उपचार शुरू है। अब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में कोरोना संक्रमित के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 12 लाख से 13 लाख तक मामले इन 2 दिन में हुए हैं। अभी तक 13 लाख से ऊपर कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो दुनिया में अभी तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,57,00,000 से अधिक हो गई है। अगर आपने बीडी न्यूज हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बीडी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।